अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे अल्लाह के अमान में। तो आज हमें विंटर की कुछ शॉपिंग करनी थी बेटे के लिए, तो हम चेस गए थे, टाइम कम था इसलिए मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई। तो मैं आपको शॉपिंग लास्ट में दिखाऊंगी। इसके बाद हम गए थे रेड एप्पल, और ये देखें, ये दोस्ताना जौहर वाली ब्रांच है रेड एप्पल की। यहाँ का खाना बहुत ही मज़े का, और ये बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट है इनका, पीसफुल। ग्राउंड में भी इनके सिटिंग है, और फर्स्ट फ्लोर पे भी। बहुत मज़े का खाना है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चाइनीज़, बारबेक्यू, हर चीज़ है, और हर चीज़ ही लाजवाब है। तो मैं लास्ट में इनका मेन्यू और प्राइस वगैरह सब शेयर करूँगी आपके साथ, और ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप लोग भी। आप लोगों को भी बहुत पसंद आ गया यहाँ का टेस्ट। अच्छा जी, मुझे टर्किश म्यूज़िक बहुत पसंद है, तो इसलिए मेरी वीडियोस में आपको टर्किश म्यूज़िक सुनने को मिलेगा। तो जी, ये मैंने चेस से कुछ विंटर की शॉपिंग की थी उस्मान के लिए, जो कि 2 ईयर्स के हो गए हैं, और काफ़ी अच्छे कपड़े थे वहाँ पे, और प्राइस वगैरह भी रीज़नेबल थे, फैब्रिक भी अच्छा है। और सर्दी में बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा कवर करना चाहिए, क्योंकि बच्चों को बहुत जल्दी सर्दी इफ़ेक्ट करती है। तो फुल स्लीव्स, सॉक्स और ये सारी चीज़ें बच्चों को पहनानी चाहिए। चेस में काफ़ी ज़्यादा वैरायटी होती है, और एक बात बहुत अच्छी है कि सारी चीज़ें एक साथ ही मिल जाती हैं मार्केट, मतलब अलग अलग नहीं वो करना पड़ता आपको, टाइम भी इससे बच जाता है, एक साथ सारी शॉपिंग हो जाती है। और ये मैंने जैकेट ली थी, मतलब अपर लिया था, यहाँ कराची में तो इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं होती है, तो ये अपर ही सही हो जाएगा। और ये इनर था, जिसे हम हाईनेक भी कहते हैं, तो ये इसकी प्राइस काफ़ी अच्छी थी वहाँ पे, ये 149 का है एक। ये मुझे जीन्स अच्छी लग रही थी तो मैंने ये भी ले ली थी। और ये है जी 600 रुपीस की है ये जीन्स, और मुझे बहुत ही अच्छी लग रही थी, न्यू स्टाइल भी है। और फिर मैंने शूज़ लिए थे, तो ये देखें, प्यारे से लग रहे थे बहुत, और क्वालिटी भी बहुत ही अच्छी थी इसकी। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आए तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।